नमस्कार, मैं कविता ठाकुर स्वागत करती हूँ पिलाई फंडर न्यूज में। आइए हम नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खास खबरों पर। बांदा में हुए लोकसभा चुनाव के मतदान में 8 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। मतदान केंद्रों में कड़ी चौकसी रही, चप्पे चप्पे पर पुलिस व अर्धसैनिक बल तैनात रहे। कई पोलिंग बूथों में पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद सहार ने खुद जाकर निरीक्षण किया। झूठ-फूट नोकझोंक के साथ मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मतदान में अब तक का रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। आपको बता दें कि इस चुनाव में पिंक बूथ बनाए गए, जिसकी जिम्मेदारी महिलाओं की रही। यहां पर जश्न जैसा माहौल रहा। मतदाताओं को नींबू पानी, पेठा, लाई चना खिलाकर स्वागत किया गया। एक 18 साल की लड़की ने अपना पहला वोट डाला, इसके दोनों पैर टूटे हैं। परिजन गोद में लेकर वोट डलवाने आए। इस चुनाव में दिग्गजों ने भी वोट डाला, जैसे बांदा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने खुर्दहंड स्थित मतदान केंद्र में वोट डाले। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपना वोट आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज में मतदान केंद्र में वोट डाले। अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें यूपी लाइव 100 न्यूज़।